कोर्ट कचहरी के विवाद में विजय प्राप्ति के लिए कपाल भैरव साधना। अगर आपका जीवन में आपको बार बार कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ रहा है, आपको बार बार उसका चक्कर करना पड़ रहा है, आप झमेले में फंस चुके हैं, या फिर आप ऐसा सरकारी कामों के दफ्तर आपको बार बार जाना पड़ रहा है, आपका कुछ काम अटका हुआ है, आप बहुत मेहनत किए, कोशिश किए वो काम फिर से शुरू हो जाए, वो हो नहीं पा रहा है किसी कारण से, तब ऐसे समय में आपको कपाल भैरव का साधना करना चाहिए। कपाल भैरव का भैरव बाबा का जो कपाल रूप है, इस रूप का साधना करने से आपको कोर्ट कचहरी का विवाद से आपको मुक्ति मिलता है, आपका कोर्ट कचहरी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। अगर आप किसी कारण से किसी विवाद में आप फंस भी जाते हैं, तो बहुत जल्दी आपको कोर्ट कचहरी का झामला से आपको रिलीफ मिलता है। तो इसलिए कपाल भैरव का साधना करना चाहिए। अगर स्वामी स्त्री का रिश्ता खराब हो चुका है, बात तलाक तक पहुंच चुका है, तो केस कोर्ट में केस चल रहा है, आपको बार बार वहां पे जाना पड़ रहा है, तो ऐसे समय में आप कोर्ट कचहरी के झमेले से रिलीफ के लिए कपाल भैरव का साधना कीजिए। या फिर आपका रिलेशनशिप एक समय अच्छा था, आप ब्रेकअप हो चुका है, आप पुराने दिनों को बारे में सोच के दुखी होते, आपको मन में लगता है कि आपको और एक बार मौका मिलना चाहिए, और एक बार सब कुछ को सही करने का एक फैसिलिटी होना चाहिए, एक चांस मिलना चाहिए, तब आप कपाल भैरव का शरण में आइए। कपाल भैरव का साधना करने से भैरव बाबा आपको और एक मौका देता है, आपको विजय प्राप्ति के लिए उनको मौका देता है। तो आइए जानते हैं कैसे करेंगे कपाल भैरव बाबा का साधना। आप अपना घर में कोई संत कमरे में ढीले ढाला कपड़े पहन के बैठ जाइए, जमीन पे काला कपड़ा बिछा के बैठ जाए। अगर आप जमीन पे बैठ नहीं सकते तो किसी सोफा या कुर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंटरनेट में कपाल भैरव का फोटो अवेलेबल है, वहाँ से पिन करा के डाउनलोड करा के पिन कर लीजिए और फ्रेम में बना लीजिए। उनके सामने घी का प्रदीप जलाइए, थोड़ा फल मिठाई वगैरह दे दीजिए। आप एक 10 या 20 का एक सिक्का ले लीजिए, तो उस सिक्के को काला कपड़ा से बांध के गीट मार दीजिए। आप उनके ऊपर थोड़ा सा अगुरु सुगंधी ऐसा कुछ दे दीजिए। आप कपाल भैरव का सामने बैठ जाए, 10 बार साधारण प्राणायाम कीजिए आपका शरीर के शुद्धि के लिए, यानी एक नाक से सांस लीजिए, जितना देर होता है रोकिए, फिर धीरे से छोड़े ऐसे। ऐसे करके 10 बार साधारण से प्राणायाम कर लीजिए। अब आप अपना मणिपुर चक्र, यानी आपका हृदय के नीचे और नाभि के ऊपर ये जगह पे ध्यान करते हुए आप अपना हाथ में ऐसे करके मुद्रा बनाएं। इसे तांत्रिक मुद्रा कहते हैं, सुकड़ी मुद्रा कहते हैं, बड़ा ही मुद्रा कहते हैं। ऐसा मुद्रा बना के आप भैरव बाबा का मंत्र ओम हुम हुम काम कपाल भैरवाय भ्राम भ्राम हुम हुम फट, ओम हुम हुम काम कपाल भैरवाय भ्राम भ्राम हुम हुम फट, ओम हुम हुम काम कपाल भैरवाय भ्राम भ्राम हुम हुम फट। ऐसे करके आप 21 माला करके 11 दिन जॉब कीजिए। आपके पास और एक अल्टरनेट मंत्र है, अगर ये मंत्र आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरा एक मंत्र भी बोलता हूँ, उसको भी आप कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर सेम होगा। ऐसे करके पकड़ के और जो कपाल भैरव बाबा का कपाल रूप का और एक मंत्र ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्रीम कपाल भैरवाय स्वाहा, ओम ह्रीम क्रीम ह्रीम श्रीम कपाल भैरवाय स्वाहा, ओम ह्रीम क्रीम ह्रीम श्रीम कपाल भैरवाय स्वाहा। ये माला भी ये मंत्र भी आप 11 माला करके 21 माला करके 11 दिन जप कीजिए। 12 नंबर दिन पे किसी को फल या भोजन का दान कर दीजिए। अगर पैसे का दान करना है तो ये मंदिर पे जाके दीजिए। ये भैरव साधना करने ये भैरव बाबा का इस रूप का साधना करने के समय कोई काला कुकुर
मिलता है तो उसे रोज खाने का कुछ दे दीजिए, बिस्किट या मिठाई कुछ दे दीजिए। ये आपको 12 दिन 11 दिन आपको करना ही है। आप जो सीखा उनको पास रखे थे उसको लेके आप अपना तिजोरी में रख दीजिए घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए। अगर आप कोर्ट का या सर गवर्नमेंट डॉक्टर का चक्कर के लिए जा रहे हैं आप, तो वो सीखा आपने साथ में लेके जाए, तो इससे आपको जो कोर्ट कचहरी का जो झामेला के लिए बार बार आपको जाना पड़ रहा है उसमें नहीं जाना पड़े। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जीवन में कोर्ट कचहरी का झामेला हो या फिर आपको सरकारी दफ्तर का झामेला उठाना पड़े या फिर आपका काम रुक जाए तभी साधना कीजिए, ऐसा नहीं है। आप प्रिकॉशन के तरफ लिए आप पहले से भी आप कपाल भैरव का साधना कर सकते, तो ऐसा साधना करने से आपको जीवन में वो दर्दनाक दिन ना देखना पड़े, तो इसलिए कपाल भैरव का साधना कीजिए। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप कोई जीवन में कोई स्पिरिचुअल ऊर्जा का लेने की कोशिश कर रहे या फिर शक्ति पाने की कोशिश कर रहे, तब तुरंत ही आपको प्रकृति आपका परीक्षा लेना शुरू कर देती है, आपका ऊपर 1000 तरफ का अड़चने आने लगेगा। तो इसलिए पूरा संकल्प के साथ इनका साधना शुरू कीजिए और साधना में जयलाभ कीजिए। ये साधना आप प्रति स्त्री पुरुष कहीं भी कर सकते हैं 18 वर्ष के ऊपर। हस्बैंड वाइफ वेक्षा साधना करने से लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। ये साधना आप किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। ये साधना करने के समय आप निरामिष आहार ग्रहण कीजिए, धूम्रपान मद्यपान ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। मासिक पीरियड के समय महिला इनका साधना ना करे। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली इफेक्टिव है, इसलिए जब इनका साधना करे तब ढीले ढाला कपड़ा पहन के करे, नहीं तो आपका बहुत सारा तकलीफ हो सकता है, शरीर गर्म हो जाएगा, आपका नींद आने लगेगा, सर पे इस पोजीशन पे प्रॉब्लम आ सकता है, आंखें बंद हो सकती, आंख में दर्द हो सकता है, तो इसलिए डरे नहीं, इसका साधना कीजिए। और साधना का कुछ नियम, अगर आप घरेलू है, आप स्टूडेंट है, बेरोजगारी है, तो पूरब के ऊपर मुंह करके इनका मंत्रों का जप कीजिए। अगर आप बिजनेस करता है या फिर कोई आर्ट कला क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है, एक्टिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तब पश्चिम की ओर आप मुंह करके इनका साधना कीजिए। अगर आप लॉटरी, शेयर मार्केट, होटल व्यवसाय, बैंकिंग क्षेत्र या फिर मेडिकल बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है किसी भी तरीके से, तब आप इनका साधना उत्तर की ओर मुंह करके करें। अगर आप दलाली ब्रोकरेज लेते हैं या देते हैं, ऐसा काम के साथ जुड़ा हुआ है जिससे आपको दलाली लेना पड़े, देना पड़े, तब आप दक्षिण की तरफ मुंह करके जॉब करें। ये जो कपाल भैरव बाबा का रूप है, इनका रंग पूरा पीला रंग का है, इनका जो सवारी है वो एलिफेंट है, हाथी है, इनका जो शक्ति है भैरव भी है, इनका नाम है इंद्राणी। आशा करते हो ऐसे करके आप भैरव बाबा का साधना करके आप अपना जीवन में कोर्ट कचहरी के झमेला से बचे, आपका परिवार को सुरक्षित कर बनाए, आपका समाज में आपका छवि अच्छा हो। धन्यवाद।